चलिए तो असाइनमेंट का क्वेश्चन पेज नंबर क्या बताया हमने बताइए। 9.31। और ये वाली क्लास उसी बच्चों को समझ में आने वाली है जिस स्टूडेंट ने पुराना फॉर्मेट वाला पूरा किया हुआ है। कुछ बच्चों की क्वेरी है सर फॉर्मेट कंप्लीट नहीं है, वो एडजस्टमेंट मैंने आगे करा दिया है। फिर फॉर्मेट कंप्लीट है और साथ के साथ जो एडजस्टमेंट मैंने करवाए हैं अभी तक, डेप्रिसिएशन वाला हो चाहे कुछ भी जितना भी हुआ है हमारा 5-6 एडजस्टमेंट, वो सारा आता है तभी आपको ये समझ में आएगा। फॉर्मेट अपने सामने रखिए और फॉर्मेट को क्विकली देखिए कहाँ कहाँ क्या क्या जा रहा है। इतने मैं भी फॉर्मेट बना लेता हूँ तो समझ में आएगा कि मैं किस किस चीज़ों की बात कर रहा हूँ। फॉर्मेट आपने पूरा पेज पे बना रखा है, देखिए फटाफट से तो आपको समझ में आएगा अच्छे से, है ना। और एग्ज़ाम में सर ये क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा? वैसे तो पुराना ट्रेंड 15 का था, अब 5 का भी हो सकता है। तो अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में भी दिया जा सकता है। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन 15 का ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि 3 एक्टिविटी है तो 5 5 5 के हिसाब से, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट कैसे बनाना है हर चीज़ का ना, कैश फ्लो को अगर आप ध्यान से देखोगे तो समझ में पता है कब आएगा। वॉइस क्लियर है नहीं है बताइए लाइव वाले बच्चे सारे। क्लियर है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, पूरे पेजेस पे फॉर्मेट बना लेना है। क्वेश्चन मैंने पढ़ा ही नहीं अभी, बस मैंने ये देखा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। हालांकि इस क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ इसमें ऑपरेटिंग बोला है, लेकिन हम फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग तीनों बनाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले ऊपर आपने क्या लिखना है, पर्टिकुलर डिटेल एंड अमाउंट। सबसे टॉप पे अगर तीनों एक्टिविटी बनेंगे ना आपके तो ऊपर क्या लिखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम, कैश फ्लो स्टेटमेंट लिखेंगे। अगर तीनों एक्टिविटी बनना है ना तो क्या लिखेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट, समझ रहे हो। अगर सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनेगा तो सबसे टॉप पे हेडिंग क्या डालेगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। साथ के साथ आप बताते जाइए कमेंट में, ठीक है ना। अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाना है तो सबसे टॉप पे हेडिंग क्या डल जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सर क्या इसके नीचे डेट वगैरह भी आता है? बिल्कुल हाँ, जैसे बैलेंस शीट के नीचे लिखा जाता है उसी तरीके से इसके नीचे डेट भी लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए करने का क्या तरीका है जी, हमने पूरे पेज पे लाइन खींच ली। आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो पेपर है वो पेपर देखा जाए तो ज़्यादा लंबा तो आएगा नहीं, तो कम से कम 3 पेजेस पे जाएगा ये क्वेश्चन। तो हमारा सबसे पहला पार्ट स्टार्ट हुआ, पहला पार्ट का मतलब है कैश फ्लो फ्रॉम, पहला पार्ट कौन सा है, ऑपरेटिंग, मेरे पास स्पेस नहीं है, ACT कर देता हूँ, ठीक है। करना अभी कुछ नहीं, अभी मतलब आपको तो पहले हेडिंग पता होना चाहिए। अब मैं आपको बोलूँगा ध्यान देना, कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कितने हेडिंग है, 3। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कितने हेडिंग है, 3, समझे। सर कैश फ्लो स्टेटमेंट में कौन कौन से 3 हेडिंग है, ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग, और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर 3 पार्ट है,
सर तीन पार्ट कौन कौन सा है? देखिए मैंने लिखा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसके बाद आपको 10 लाइन छोड़ना है, 10 से 12 लाइन हमेशा याद रखना है। इसके बाद कितने लाइन छोड़ना है आपको? 10। मान लेते हैं मेरा 10 लाइन यहाँ तक आ जाएगा। मैंने लिखा पहला हेडिंग, पहला हेडिंग होता है हमारा नेट, रजिस्टर में भी देखिएगा आप, नेट प्रॉफिट बिफोर, नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है, ये आ गया हमारा कौन सा हेडिंग? पहला हेडिंग। सर इसके बाद अगला हेडिंग कौन सा होता है? अगला हेडिंग आता है हमारा, कितने लाइन छोड़ना है सर? इसके लिए 5 लाइन इनफ है, 5 लाइन इनफ है। इसके लिए कितने लाइन? 10। इसके लिए कितने लाइन? 5। क्या आएगा? कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशन। जिसने अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिख लिया है वो उसे क्या कर दे? कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशन, कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये चीजें आपको लिखना है। दोबारा देखिए आप, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मेन हेडिंग हो गया, इसके अंदर दो पार्ट है, एक नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजिंग, इसके बाद आता है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम, कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशन। यहाँ पे सारी चीज़ें कुछ हेडलेस होती है, याद होगा फॉर्मेट में। और यहाँ पे करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी में क्या बताया था? जो बिजनेस के लिए गुड है क्या करेंगे? मैंने बताया था ना, बिजनेस के लिए जो गुड होता है, बताइए कमेंट में फटाफट। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के फॉर्मेट में बताया था मैंने, जो गुड होता है वो क्या होता है? लेस हो जाता है। जो बैड होता है वो क्या होता है? ऐड हो जाता है। और यहां पे क्या लेते हैं? सिर्फ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या? करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी। लेकिन करंट एसेट्स में क्या कैश को लेंगे हम? क्या कैश को लेंगे? नहीं, वो किसका पार्ट बन जाता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। क्या बैंक ओवरड्राफ्ट को लेंगे हम? नहीं, वो बैंक ओवरड्राफ्ट तो भी तो करंट लाइबिलिटी है, लेकिन किसका पार्ट मानते हैं उसको? फाइनेंसिंग का। किसका मानते हैं हम? फाइनेंसिंग का। तो फॉर्मेट को बड़े ध्यान से, जब मैंने करवाया था तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीजें आ जाएगी, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या काम करना है सर? इसके बाद मैं इधर लिखने वाला हूं बी पार्ट, और बी पार्ट नाम दूंगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सर इसके लिए कितने लाइन में हो जाता है? ये भी 8 लाइन मान के चलो, 8 से 10 लाइन। फिर मैं सी पार्ट दूंगा। सी पार्ट क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आप ध्यान रखना, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं? पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी करते हैं, फिर इन्वेस्टिंग करते हैं, और फिर क्या करते हैं? फाइनेंसिंग। ये अप्रोच गलत है, हमें ऐसे नहीं करना। हम तीनों को पहले फॉर्मेट बना लिया, अब जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे हम वहां पुट करते जाएंगे। पहले बताइए इसमें कोई दिक्कत? फॉर्मेट कैसे बनाना है हर किसी को क्लियर है? यहां तक कितने लाइन? 10 लाइन। यहां तक कितने लाइन? 6 से 7 लाइन। 5 लाइन इनफ है। इसके बाद तो नीचे वाला तो पूरा ही रह जाता है, यहां पे सिर्फ एक लाइन आना होता है। इसके बाद यहां पे कितने लाइन? 10 लाइन मान लो। बाकी सारा हमारा कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के लिए हम छोड़ देते हैं, ठीक है भाई? हर किसी को क्वेश्चन मिल गया? हाँ या ना में जवाब दे कमेंट में। क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 8 है, पेज नंबर 9.31 पे। हर किसी को मिल गया? मनीष, निधि, कमेंट में जवाब नहीं आ रहा। मैं एक काम करता हूँ, आप सब एक्टिव नहीं हो बिल्कुल भी। सचिन अरोड़ा, किरण यादव, हाँ जी सबसे पूछा जा रहा है, आप बताइए फटाफट। ओके भाई, जो कमेंट में पूछा जाए अब आपने बताते जाना है, ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठना है। जब तक आप कमेंट में जवाब नहीं दोगे तो पता नहीं चलेगा, और मुझे भी नहीं पता चलेगा आपको कितना आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, ठीक है ना? चलिए तो क्वेश्चन पढ़ने स्टार्ट करते हैं। पढ़ने का क्या प्रोसेस है, क्या तरीका रहेगा? बिल्कुल सेम वही रखना है।
क्या सबसे पहले हमें एडजस्टमेंट पढ़ लेना है, सिर्फ रिटेन करना है दिमाग में एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट डिप्रिसिएशन ठीक है भाई, उसके बाद डिविडेंड वो भी ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद इनकम टैक्स ठीक है, पेड कहता है, उसके बाद कहता है कैलकुलेट ऑपरेटिंग। हम तो तीनों एक्टिविटी बना रहे हैं, बस हमने देख लिया कोई ऐसा हैवी एडजस्टमेंट तो है नहीं। चलिए सबसे पहला शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कहता है पहले था हमारा 4,50,000, फिर हो गया 5,00,000। तो क्या शेयर कैपिटल किसका पार्ट है? जवाब आना चाहिए कमेंट के अंदर, आप सभी भी जवाब दें किसका पार्ट है शेयर कैपिटल। पार्ट है फाइनेंसिंग का, तो हमारा यहां आ जाएगा शेयर कैपिटल। इसके लिए नोट तो है नहीं, तो हम लिख देंगे शेयर कैपिटल। हाँ ये तो इन्वेस्टिंग है, शेयर कैपिटल। आप मुझे जवाब दीजिए कि जी ये प्लस में जाएगा या माइनस में जाएगा। फॉर्मेट में मैंने बताया है, क्योंकि जब हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी बढ़ रहा होता है तो क्या करते हैं हम, प्लस। यानी इन जब पैसे इनफ्लो होगा तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो यहाँ पे कितना क्या जाएगा हमारा, यहाँ पे आएगा। हाँ जी बच्चों ने जवाब दिया, अब यही तो चाहिए कि 50,000 सर प्लस होगा। तो 50,000 प्लस होगा मतलब हम इस वाले कॉलम में लिख देते हैं, आपकी इच्छा है। देखो दो कॉलम बनाया जरूर है मैंने, यहाँ पे तो ये वाला कॉलम भरपूर यूज होता है, कौन से वाला, डिटेल वाला। लेकिन इसके बाद ये वाला कॉलम यूज करें चाहे ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 50,000 रुपये। पहला पॉइंट हमने कर लिया, और धीरे धीरे करना है पॉइंट, जल्दी जल्दी भागोगे ना कुछ नहीं मिलेगा। अगला पॉइंट है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस से हमारे पास एक रिजर्व है और एक हमारे पास सरप्लस है, तो पहला पॉइंट सरप्लस को पिक कर लेते हैं। तो सर सरप्लस क्या हो रहा है, 30 से 48 हो रहा है, तो बताइए सरप्लस किसका पार्ट है, बताइए सरप्लस किसका पार्ट है, नेट प्रॉफिट का। तो यहां पे लिखेंगे हम नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। सर सरप्लस जो दे रखा है 30 से 48 है, तो इट मींस 18,000 रुपीज। समझ में आई बात आपको, आया या नहीं, आ गया। मैंने इसके अंदर जो फॉर्मेट कराया था तो बहुत सारी बातें करवाई थी, याद होगा कि हमारा अगर करंट ईयर में माइनस हो प्लस हो तो क्या करेंगे, प्लस हो माइनस हो तो क्या करेंगे। जिन बच्चों ने देखो सिर्फ फॉर्मेट के फॉर्मेलिटी के लिए क्या करा, वीडियो को देखा और पॉज किया और सारा फॉर्मेट नोट कर लिया, उसे भी समझ में नहीं आएगा ये ढंग से। मैंने उसमें सारी बातों का डिस्कशन किया है कि नेट प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। कई बार ऐसा होता है कि दोनों साल का माइनस में दे दे डेटा तो क्या करेंगे। कई बार होता है हमारे 2010 के अंदर हमारा 20,000 प्रॉफिट था और 2021 11 में आए तो हमारा नुकसान है तो क्या करेंगे। तो सारी चीज़ें बताया, तो वहाँ पर देखना जरूर है आपने। इसके बाद आगे आता है रिजर्व। रिजर्व हो गया 40 से 70, तो रिजर्व के केस में क्या करेंगे हम, ये भी आ जाएगा हमारा यहीं पर ऐड हो जाएगा है ना, और 40 से 70 इसको अंदर की साइड लिखना चालू करेंगे 30,000। अगर रिजर्व घट रहा हो तो माइनस हो जाता है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगर हम जैसे चलें ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल बताइए फटाफट किसका पार्ट है, ट्रेड पेबल किसका पार्ट होता है, ऑपरेटिंग, बस आप बता देना ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बाकी मैं समझ लूंगा। ट्रेड पेबल बताइए किसका पार्ट है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग। और ये आएगा वर्किंग कैपिटल, क्योंकि करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी है, तो मैंने लिखा यहां पे ट्रेड पेबल। सर एडजस्टमेंट नहीं करोगे कि कर लेंगे बाद में छोटे छोटे एडजस्टमेंट, या तो पहले एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं इस चैप्टर के अंदर। ट्रेड पेबल की बात करें तो कितना हो रहा है हमारा, 62 से 66 हो रहा है, तो इसका मतलब बढ़ रहा है। लाइबिलिटी का बढ़ना बिजनेस के लिए बेकार है, बैड है, तो क्या करेंगे ऐड कर देंगे कितने। अच्छा दो है अलग अलग, तो ट्रेड पेबल के अंदर अलग अलग है, तो मैं क्रेडिटर को अलग लिख देता हूं। क्रेडिटर लो अलग लिखा, क्रेडिटर कितने से कितना हो रहा है, 55 से 83, मतलब ये भी तो बैड ही है, तो डिफरेंस लेके ऐड करेंगे, बताइए कितने आएंगे आपके। तो 55 88 28 तो नहीं लग रहा, 23 हो सकता है, 33। इधर कहाँ लिख दिया मैंने, इधर लिखना है प्लस में। इसके बाद बिल्स पेबल भी दे रखा है सर, तो बिल्स पेबल बताइए, बिल्स पेबल बताइए ऑपरेटिंग। हाँ ये 83 है, ओके
अब कितना होगा? 28। इसके बाद आते हैं बिल्स पेबल पे। सर बिल्स पेबल में क्या क्या हो रहा है बताओ? 62 से 66 बढ़ गया 4,000 रुपये। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर डायरेक्ट इकट्ठा अमाउंट कर सकते हैं क्या? नहीं, अलग अलग दिखाना जरूरी है। चलिए 4,000, मनीष का भी जवाब आ गया 4,000। मनीष बिल्कुल, ये लो वैभव जैन कह रहा है सर क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन मैंने बोल बोल के परेशान हो गया मैं, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके इलस्ट्रेशन का। कुछ बच्चे लेट ज्वाइनिंग होते हैं, जब कमेंट करें तो पुराने बच्चे जवाब दे दिया करो सो दैट के दिक्कत ना हो। आगे आगे और बढ़ते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, हमेशा देखो एडजस्टमेंट किस पे होगा? फिक्स एसेट्स पे और टैक्स वाले पे, दो ही तो मेन कराए हमने। तो यहाँ प्रोविजन फॉर टैक्स है। अगर प्रोविजन फॉर टैक्स, मैंने बताया था प्रोविजन फॉर टैक्स हो सकता है कहाँ हो? सिर्फ बैलेंस शीट में, तब तो करंट ईयर और प्रीवियस ईयर वाला फंडा आता है। अगर प्रोविजन फॉर टैक्स के नीचे एडजस्टमेंट हो तब क्या बना लेना चाहिए? अकाउंट बना लेना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में तो है ना सर, क्या है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में देखो एडजस्टमेंट में भी मैंने देख लिया था, तो जब एडजस्टमेंट में हो तो आपको सिंपल क्या बना लेना चाहिए? एक अकाउंट बना लेना चाहिए। और अकाउंट कौन सा है हमारा? प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है। इसका बनाने का तरीका क्या है? बाय साइड में लिखो बैलेंस, सिर्फ बैलेंस बीडी, और टू साइड में क्या लिखो? बैलेंस सीडी। सर बैलेंस बीडी बता दीजिए, बैलेंस बीडी का मतलब ओपनिंग। तो ओपनिंग बैलेंस अगर हम प्रोविजन फॉर टैक्स का देखें तो 40 और 50 आ रहा है हमारा, ये 40 है और ये कितने हैं? 50 है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? 40 और 50। इसके बाद एडजस्टमेंट देखिए, अगर एडजस्टमेंट में कहता है ड्यूरिंग द ईयर मेड या ड्यूरिंग द ईयर क्रिएट तो कहां दिखाएंगे? बाय साइड में, ठीक है। अगर एडजस्टमेंट में कहता है पेड तो कहां दिखाएंगे? टू साइड में। तो देखिए टू बैंक से क्या दिखा रहा है? पेड कितने रुपए? 35,000। तो अब टोटल करके इधर निकलेगा तो 85 और ये भी 85 और इधर निकलेगा बाय बैंक से, पी एंड एल से, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस से, और इसे हम बोल देते हैं मेड। तो ये कितने आ गए? 45। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में तो आपको बताया थे बैलेंस बीडी का और बैलेंस सीडी का, बैलेंस सीडी और बैलेंस बीडी का कोई काम? अब जो मेड आया है ना वो मैंने बताया था नेट प्रॉफिट में क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। तो हम ऐड कर देंगे क्या? प्रोविजन फॉर टैक्स कितने रुपए सर? 45,000। और पेड क्या होता है? माइनस हो जाता है। और वहां ये भी लिखा था आफ्टर जनरेशन कैश, पेड क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। कहां? आफ्टर जनरेशन कैश। तो देखो आफ्टर कैश जनरेशन ये रहा, तो यहां से लेस हो जाएगा। इनकम टैक्स बोल लो, प्रोविजन फॉर टैक्स बोल लो, इनकम टैक्स सर कितना माइनस होगा? जो पेमेंट वाला है 35,000। तो लो जी इस वाले को बाहर वाले कॉलम में लिखना। अभी तो हम सीख रहे हैं तो मैं सारी बातें बताऊंगा, अभी कोई बच्चा ये ना सोचे हमें कैसे पता चलेगा। पहले आप मुझे यहां तक बताइए, मैंने एक एडजस्टमेंट डन किया है, किसी को दिक्कत परेशानी है तो बताइए मुझे, जल्दी जल्दी बताएं किसी को दिक्कत है तो। जितने स्टूडेंट लाइव हैं बताएं फटाफट किसी को दिक्कत है तो। नहीं, यहां तक सब बिल्कुल बढ़िया चल रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइबिलिटी साइड हमने खत्म कर लिया, अब एसेट साइड पे आ जाते हैं। एसेट साइड पे लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट है, मैंने बोला इस पे एडजस्टमेंट होता ही होता है लगभग लगभग, देखते हैं। तो बिल्कुल लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट पे डेप्रिसिएशन दे रखा है। तो जब कभी भी लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट सिर्फ बैलेंस शीट में होता है तो डिक्रीज इंक्रीज से अंदाजा, लेकिन अगर बाहर भी दे रखा होता है, हमने केस बना के करा था लास्ट क्लास में याद होगा, जब बाहर बना के देता है तो क्या करते हैं फिर उस सिचुएशन में? अकाउंट बना लेते हैं। तो हमें एक बनाना पड़ेगा, कौन सा अकाउंट? एक बनाना पड़ेगा, किस किस पे डेप है? प्लांट और लैंड एंड बिल्डिंग।
प्लांट पे है और लैंड एंड बिल्डिंग पे है कि नहीं। तो चलिए, मैं एसेट्स है तो इसका बैलेंस, बैलेंस बीडी इधर और इसका भी लिख लेंगे बैलेंस। आप ऐसे क्वेश्चन में ना जिसमें अकाउंट बनाना हो बस बैलेंस बीडी बनाइए, 80% काम हो ही गया। बैलेंस सीडी, क्योंकि बच्चे लिखते ही नहीं है बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी, ठीक है। चलिए बैलेंस बीडी बताइए, प्लांट का क्या है, बताइए प्लांट का क्या है, 80,000, 80,000, और सीडी बताइए 2 लाख। चलिए अब लैंड एंड बिल्डिंग का बीडी बताइए 2 लाख और सीडी का 1. इतना लिख सकते हो ना। अब आगे एडजस्टमेंट कहता है, कहता है डेप्रिसिएशन हमारा है प्लांट पे 15,000, तो डेप्रिसिएशन किधर आएगा बताओ, टू में या बाय में? बाय साइड में आएगा डेप्रिसिएशन, क्योंकि इससे घटेगा ना। तो डेप्रिसिएशन कितने रुपए, 15,000 या 2500? 15,000। और ऐसे ही लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन कहाँ आएगा, बाय, कितने रुपए, 25,000। समझ रहे हो बात यहां तक? अब यहां से बैलेंसिंग फिगर निकलेगा और बैलेंसिंग फिगर जो भी निकलेगा यहां से वो किस साइड जाएगा, टू साइड। और अगर टू साइड बैलेंसिंग फिगर सर निकल के जाता है तो क्या निकलता है टू साइड में, बताओ फटाफट कमेंट में भी जवाब दो। अगर टू साइड में बैलेंसिंग फिगर निकलता है तो क्या निकलेगा, परचेज निकलेगा। तो क्या निकलेगा हमारा, परचेज। तो फटाफट देखिए, 15,000, 2 लाख, 2,15,000, 2,15,000। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तो सर टफ क्वेश्चन में कुछ अलग होगा, कुछ नहीं होता बेसिक और टफ। अगर आपको बेसिक वाले में कॉन्सेप्ट समझने के लिए है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए ना। अरे यहाँ क्यों लिख दिया मैंने, ये यहाँ क्या आएगा, पहले उसका निकाल लेते हैं। 2,15 माइनस में 80,000 यहाँ पे आ जाएगा, टू बैंक और बैंक से परचेज है 1,35,000 का। अब नीचे का भी देख लेते हैं, 25,000 और 195, ओहो ये क्या हुआ, आपने बैलेंस सही बताया, देखो 2 लाख और 1,25,000 सही बताया, तो इसका मतलब ये 2 लाख और इधर भी क्या आया, 2 लाख, तो इधर बैलेंस निकल रहा है बताइए। तो बाकी यहाँ बैंक से सेल, देखा कितने आ गए, 5,000, 5,000 बैंक से सेल, बताइए समझ में आया नहीं है। यानी बैलेंसिंग फिगर जहाँ भी निकले दिमाग आपको लगाना है। तो ये अकाउंट जहाँ से सेल भी निकल सकता है। सर अगर आपने ये 5 लाख रुपए, 5,000 रुपए का बेचा है तो कितने का, कितने का बेचा है, तो अजम्पशन लेंगे कि जितने का था उतने का बेच दिया, नो प्रॉफिट नो लॉस। समझ रहे हो बात को, कोई दिक्कत कोई परेशानी है बताइए, ठीक है जवाब भी आ गया। चलिए अब हम एडजस्टमेंट को आगे प्रोसेस करते हैं। क्या इसकी कोई ट्रांजैक्शन होगी बीडी की, नहीं। क्या इस सीडी की, नहीं। डेप्रिसिएशन की होगी, डेप्रिसिएशन कहाँ जाता है, ऐड हो जाता है, ये सारा ऐड कर रहा हूँ मैं, ऐड कर रहा हूँ, तो डेप्रिसिएशन भी यहाँ ऐड हो जाएगा। सर डेप्रिसिएशन में दोनों का इकट्ठा ऐड करके लिख देता हूँ, आप दिखा सकते हो, देखो मैं लिख देता हूँ, प्लांट एंड मशीनरी का 15,000 प्लस लैंड एंड बिल्डिंग का 25,000, तो दोनों का ऐड करके मैंने लिख दिया 40,000। सर मैंने नीचे वाला भी ले लिया, ठीक है, डेप्रिसिएशन दिखा दिया यहाँ पे। इसके बाद बैंक से परचेज, बताइए बैंक से परचेज 1,35,000 कहाँ जाएगा, फटाफट जवाब दीजिए कमेंट में, कहाँ जाएगा कमेंट में जवाब दीजिए, जो बच्चे लाइव हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, बिल्कुल सही जवाब, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, बिल्कुल सही जवाब। सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, अब समस्या आता है कि सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या करें, माइनस या प्लस, मैंने तो लिख दिया लो प्लांट, अब बताओ क्या करें, माइनस या प्लस, बोलो
क्या करेंगे माइनस, क्योंकि आउटफ्लो होगा ना जब पैसा खरीदेंगे, तो इसमें इनफ्लो और आउटफ्लो देखते हैं। सिंपल सी बात है, जब पेमेंट रिसीव होगा इसमें मत देखना, ऑपरेटिंग में नहीं चलता ये काम, ये किस में चलेगा सिर्फ इन्वेस्टिंग। और तो जब हमारे पास पैसे रिसीव हो रहा होगा तो हम प्लस कर देंगे, और जब हमारा पेड हो रहा होगा तो माइनस कर देंगे आउटफ्लो और इनफ्लो के हिसाब से। तो प्लांट कितने का, 135,000, तो बाहर ही लिख देते हैं इसको, तो 135,000। इस अकाउंट का सारी जानकारी ले लिया, अब इस पे आ जाते हैं। बीडी और सीडी का कोई काम नहीं है। बैंक, सबसे पहले डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन जी दिखा दिया 25,000। इसके बाद क्या है, बैंक से सेल, तो अब बताओ सेल कहाँ जाएगा, ये भी कहाँ जाएगा सेल, सेल भी जाएगा हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। बच्चों ने सही जवाब दिया था, तो सेल, अब ये क्या हो जाएगा, एड होगा हमारा, क्या है हमारा, ये लैंड एंड बिल्डिंग, कितने रुपए, 5,000 रुपए। कोई समस्या, फर्स्ट एडजस्टमेंट कर चुके हैं हम और थर्ड एडजस्टमेंट कर चुके हैं, अभी तक किसी को कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं। निधि ने बताया प्लस, बिल्कुल ठीक, बताइए अभी तक किसी को डाउट है तो बता सकते हैं, यस या नो। नो, चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे बढ़ते गए आगे। इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, गुडविल में दिमाग लगाओ, मैंने बताया था ना एडजस्टमेंट में, गुडविल इंक्रीज हो रहा हो तो इन्वेस्टिंग का पार्ट, गुडविल डिक्रीज हो रहा हो तो ऑपरेटिंग का पार्ट, बताया था, क्योंकि गुडविल नॉन कैश आइटम है, तो गुडविल अगर डिक्रीज हो रहा हो तो किसका पार्ट आएगा, ऑपरेटिंग का, लेकिन इंक्रीज होता है तो किसका पार्ट हो जाता है, इन्वेस्टिंग का। ठीक है, तो देखते हैं गुडविल क्या हो रहा है हमारा। तो गुडविल में इंटेंजिबल एसेट्स में कहता है 115,000 से 90,000, तो डिक्रीज हो गया, तो किसका पार्ट हो जाएगा, इसी का, तो गुडविल लिख लेते हैं। तो गुडविल में कहता है कि जी 115,000 से हो गया हमारा ये माइनस 90,000 कर देते हैं, तो कितने का बचा, 25,000 रुपए का यहां आ गया। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहां पे अब करंट एसेट्स आ गया, इन्वेंट्री, आप बताइए इन्वेंट्री किसका पार्ट है, तीनों पार्ट में से बताइए, ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग, इन्वेंट्री, स्टॉक किसका पार्ट है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जवाब भी आ गया कि इन्वेस्टिंग किसका पार्ट होगा, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। ठीक है ना, अगर बोलते हो सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कहां जाएगा, यहां पे इन्वेंट्री, सर इन्वेंट्री में क्या होगा देखते हैं, क्या हो रहा है हमारा 77 से 19, यानी बिजनेस का एसेट्स बढ़ रहा है, बिजनेस के लिए क्या है, गुड है, अगर बिजनेस के लिए गुड है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो बताओ डिफरेंस कितने से क्या हो गया, 77 से 109, तो कितने का डिफरेंस, 77 से 32,000, तो 32,000 से क्या होगा, ये सर गुड है बिजनेस के लिए तो क्या कर दो, माइनस कर दो, क्या कर दो, माइनस। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है इसमें क्वेश्चन में, आगे है ट्रेड रिसीवेबल, ये भी किसका पार्ट है, ट्रेड रिसीवेबल, करंट एसेट्स तो यही आएगा, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, सर ट्रेड रिसीवेबल कितने का है, ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है 1,60,000 से 2,00,000, यानी 40,000 से बढ़ गया, तो क्या होना चाहिए बताओ, 40,000 से बढ़ गया है तो माइनस होना चाहिए, बिजनेस के लिए गुड हो रहा है ना ये, तो क्या कर दिया, माइनस। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, आप ईमानदारी से बताइए, क्या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इसका पार्ट है या नहीं है, नहीं है, ये कैश कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो अलग से लेंगे हम। ये आगे कहता है बिल्स रिसीवेबल्स, सबसे लास्ट में दे दिया बी आर 20 से 30 हो गया, तो मैं यहीं पे एडजस्ट करता हूं किसको, बी आर 20 से 30, ये भी 10,000 किस में चला जाएगा, माइनस। हालांकि इस वाले बैलेंस शीट में आई डोंट नो नीचे क्यों दे रखा है, वैसे ट्रेड रिसीवेबल के अंदर देना चाहिए इसको, जो कि मिसप्रिंट मान सकते हो आप। ठीक है, चलिए हमने पूरे के पूरे बैलेंस शीट पढ़ दिया, अब आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है, एडजस्टमेंट में एक एडजस्टमेंट रह गया, इंट्रीम डिविडेंड, तो इंट्रीम डिविडेंड मैंने बताया था पूरे एडजस्टमेंट में, अच्छे से बताया था इंट्रीम डिविडेंड, बताओ क्या होगा इंट्रीम डिविडेंड का, एडजस्टमेंट में है इंट्रीम डिविडेंड, एक होता है प्रपोज्ड डिविडेंड,
एक होता है इंट्रीम डिविडेंड, तो एडजस्टमेंट मैंने पांच नंबर, एडजस्टमेंट नंबर पांच पे बताया था, ऑपरेटिंग में ऐड और, तो देखो जो नोट लिखा है ना वो वही आपका सारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है। तो ऑपरेटिंग में आपका आ जाएगा इंट्रीम डिविडेंड, ऑपरेटिंग में ऐड कितने रुपए का सर, ऐड ठीक है कितने 20,000 रुपए। तो और दूसरा फाइनेंसिंग में लेस, बाय रीजन लॉजिक बताया था क्यों लेस होगा, बताओ इंट्रीम डिविडेंड लेस क्यों होगा, एडजस्टमेंट के पास है ऑपरेटिंग में से गया और फाइनेंसिंग में क्या हो रहा है हमारा माइनस, कितने रुपए सेम अमाउंट 20,000 रुपए का लेस, पेमेंट करोगे ना भाई, पेमेंट फाइनेंसिंग से है तो आउटफ्लो हो रहा है इसलिए माइनस हो रहा है, यहां ऐड इसलिए हुआ क्योंकि हम करेक्ट कर रहे हैं प्रॉफिट को। किसी को डाउट है तो बताइए, फिर टोटलिंग हम आराम से तसल्ली से देखेंगे, टोटलिंग का भी प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को डाउट है, टोटलिंग भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, टोटलिंग करने का देखो क्या होना चाहिए। टोटलिंग के केस में हम सबसे पहले टोटल करेंगे, कुछ बच्चे यहां लाइन खींचें कुछ नहीं, जैसे ये है ना वर्किंग कैपिटल, इससे थोड़ा ऊपर लाइन, इसको यहां से यहां नहीं खींच देना, यहीं तक रहेगा 30,000, 45, 40, 25 और 20, 160। तो 160 कहां लिखेंगे, इस लाइन से ऊपर लिखना है, इस लाइन के यहां मत लिख देना, इस लाइन से ऊपर 160। अभी मैं समझाऊंगा अभी क्यों। अब जब हमारे पास आएगा टोटल होके, चलो यहीं से ही कर देते हैं ठीक है। अब इसको और इसको टोटल करना है, इसको और इसको, तो प्लस 18,000 मैंने आगे तक खींच दिया, कोई बात नहीं आप भी कर देना 178। पहला टोटलिंग समझ में आया कैसे करना है, यानी ये वाला 178 इसके सामने आना चाहिए, ये कहता है 178 है नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, समझ रहे हो बात। अगर मान लो आपने इसको ऊपर लिख दिया तो मतलब ही चेंज हो गया उसका, तो पता नहीं क्या निकाला है आपने, तो इसलिए ध्यान देना है। चलिए अब इसका भी टोटल हम करेंगे, ये लाइन खींचा इसका टोटल करते हैं, तो 28,000, 4,000 माइनस का 32,000 माइनस का 40,000 माइनस का 10,000, तो माइनस का 50,000। अब इसका माइनस प्लस करके किसके सामने आना चाहिए, जनरेशन के सामने, तो 178 या जाएगा 128। अब निकालेंगे हमारा फाइनल 35, तो ये आ गया 93। तो सर 93 को नाम क्या देंगे, इसको देंगे कैश फ्लो, अगर ये माइनस में आता तो फ्लो की जगह पे क्या लिखते हैं यूज्ड, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना आ गया 93। हालांकि आपके बुक में सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोला था, तो आप वहां चेक कर सकते हैं आपका 93 आ चुका होगा, लेकिन हम एक एक्स्ट्रा, हम तो पूरा लेके चल रहे हैं, हमें कई चीजें ना, हमें जितना बुक में बोला गया वो नहीं, मैं चाहता हूं कि उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर दे जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट ही रिवाइज हो जाए ठीक है। अब आगे चलते हैं, आप किसको टोटल करेंगे, देखो ये छोटे छोटे से थे लेकिन बड़े काम के थे ये, अब ये तो माइनस में है ये प्लस में है, तो आएगा 1,30,000, ये क्या बनेगा कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये बी पार्ट का आंसर आ गया ठीक है। अब सी पार्ट का देखते हैं, सी पार्ट में क्या आ जाएगा 20,30,000 आ जाएगा, प्लस में आया है तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। चलिए अब हमें क्या करना है, अगला हेडिंग लिखना है, अगला हेडिंग लिखना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसके अंदर क्या करेंगे हम, ए पार्ट जो कि हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, बी पार्ट यानी मैं सिंपल लिख दूं ए प्लस बी प्लस सी। सर ए प्लस बी प्लस सी क्या है, ए का आंसर ये है, बी का आंसर ये है और सी का आंसर ये है, ये माइनस में है ठीक है। तो इन दोनों को हम प्लस माइनस करके यहां पे दिखाएंगे।
मेरे पास स्पेस नहीं है, आपके पास स्पेस होगा तो आप ये भी लिख सकते हो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है ना। चलिए तीनों को हम यहाँ प्लस कर भी करके देख लेते हैं, तीनों को प्लस करके देख लेते हैं क्या प्लस करने पे आएगा। सर पहले का 93 प्लस, और ये प्लस किस में है, माइनस में है, तो माइनस का सिंबल डालेंगे, माइनस 130 प्लस 30, तो सर इसको नेट इफेक्ट अगर हम लें तो क्या आता है, माइनस का 7000, 7000 नेगेटिव। इसके अंदर हम ऐड करते हैं ओपनिंग बैलेंस, ऐड कर देते हैं ओपनिंग बैलेंस, और ओपनिंग बैलेंस में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का यानी बैंक का बैलेंस, कैश का बैलेंस और एक मार्केटेबल सिक्योरिटी का, बताया था एक क्या ऐड होता है, मार्केटेबल सिक्योरिटी, अगर दे रखा हो आपको क्वेश्चन में तो। और सर मार्केटेबल सिक्योरिटी कहां मिलेगा, करंट इन्वेस्टमेंट में मिलेगा, करंट इन्वेस्टमेंट में। तो एक और पार्ट ऐड होता है, तो मैं दोबारा बता देता हूं, अगर फॉर्मेट में नहीं भी लिखा आपने तो, तीन चीजें, बैंक का बैलेंस, कैश का बैलेंस और मार्केटेबल सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटी कहां दिखेगा, करंट इन्वेस्टमेंट में दिखेगा। तो चलिए ओपनिंग बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्या है, ढूंढिए क्वेश्चन में, कितना है आपका 25000, तो ये लीजिए मैंने लिखा यहां 25000, इसको टोटल करने के बाद हमारा निकल के आएगा क्लोजिंग, क्लोजिंग बैलेंस, और 25,7 कितने बचे, 25000 माइनस 7000 18। अब ये 18000 आपके क्वेश्चन पेपर, आपके बुक में, जो भी आपके पास है पीडीएफ में, वहां पे क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। अगर ये ऐसे मैच हो रहा है, आप चेक करिए क्या वहां 18 आ रहा है, नहीं आ रहा, फटाफट चेक करिए, आ रहा है, तो इसका मतलब आपका तीनों एक्टिविटी क्या हो गया, ठीक हो गया, समझ में आया। एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन देगा, पूरा क्वेश्चन देगा, पांच नंबर, तीन क्वेश्चन हो गए 15 नंबर का। हो सकता है एग्जामिनर क्या करे, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी दे दे, 10 नंबर और 5 नंबर का पूछ ले कि बताइए कैश फ्लो फ्रॉम, कैश फ्लो स्टेटमेंट से क्या मतलब है। थ्योरी में वैसे बहुत रेयर है, तो अभी तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट सीख रहे हैं, तो फटाफट से बताइए ये समझ में आया, बिल्कुल बेसिक बेसिक था, हमने एक दो एडजस्टमेंट यूज कर लिया, अभी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला मेन रहता है वो भी करेंगे, फटाफट नोट करिए, कोई डाउट है तो बताइए।